हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी एकदम बढ़िया है। आज सुबह सुबह मैं बना रही हूँ पोहा, और पोहा थोड़ा सा ड्राई होता है और सबको ऐसा मन होता है कि साथ में कुछ खाए। तो वैसे तो मैं चाय बना दिया करती थी, बट आजकल चाय सबकी कैंसिल हुई है, तो ऑफकोर्स बात आती है दही पे, बट घर पे दही नहीं है। इसलिए अब मैं सोच रही हूँ कि जब तक मैं पोहा बना रही हूँ, तब तक रजत को मस्की लगाती हूँ कि जाके दही ले आए। क्या लेना? बस दही लानी है अभी के लिए, बाकी बाद में जाएंगे तब लेंगे। ठीक है, फटाफट से ले आओ। रेडी है पोहा? रेडी है। आज धूप जबरदस्त निकली है, लेकिन टेम्परेचर बहुत माइनस में है। आई गेस -7 -8 कुछ है, और फील्स लाइक है -15, और एक्चुअली बहुत ही ठंडा लग रहा है, तो इसीलिए मैंने जैकेट पहन दी है। बस मैं जा रहा हूँ दही लेने, क्योंकि दही ख़त्म हो गया था और ब्रेकफास्ट में बना है पोहा, तो पोहे के साथ ऐसा बहुत ड्राई हो जाता है पोहा, तो दही या कुछ चाहिए रहता है। तो सामान आ चुका है, अब जल्दी से भागते हैं, भूख भी लगी है और घर पे इंतजार कर रहे होंगे दही का, तो जल्द जल्दी घर जाते हैं और खाना खाते हैं। हाँ, पैकेट में नहीं लाया ना ज्यादा कुछ, बस दही लाया हूँ। बट मैं दही तभी तुम्हारे पैकेट देने से कतरा रही थी, क्या क्या लेके आए? इतना नहीं है, थोड़ा ही बस दही लाया हूँ, दो एक दही तो इतनी है। नहीं, दही और एप्पल है, एप्पल खत्म थे। बन गया खाना? हाँ, रोज दी फ्रेश हो गया है, तो बस आने वाले। ठीक है, पोहा क्या मस्त लग रहा है, मूंगलियाँ डल चुकी है, वाव गरम है, नींबू है डाल दिया। अच्छा ठीक है, ओके। बेशक पोहा बना पर खाना पूरे स्वाद के साथ है, चटनी भी, सॉस भी और दही भी। वेदा भी हाँ करती है। अभी ब्रेकफास्ट तो हो गया है और खूब मजे से हुआ है रजत की मेहरबानी से, क्योंकि रजत दही लेके आ गया था। मेरी मेहरबानी थी। ऑफ कोर्स आई वाज नॉट श्योर कि तुम जाओगे या नहीं जाओगे, बट रजत का अभी मूड अच्छा था या पता नहीं क्या है कि रजत फटाफट से चला गया और ले भी आया। और अभी हम हमारे रूम पे इसलिए आए हैं बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आ रही है, और हम सोच रहे कि वेदा की तेल मालिश कर देते हैं। तो अभी मैंने वेदा को रेडी तो कर दिया, बस अब जब इसकी मम्मी आएगी तो हम इसकी तेल मालिश शुरू करेंगे। जा, फिर से किडनैप होना तूने, फिर से यहीं फंसना है। अब यहाँ छुप जाएगी, जब कोई बंद कर देगा तब अंदर से थोड़ी देर में नॉक नॉक लग जाएगी करने, फिर बोलेगी मुझे किडनैप करता है। हैं, क्या है, क्या सीन है, सुसाइड क्यों करना चाहती है, बता बता क्या परेशानी है, क्या परेशानी है कोको, बाहर निकल यहाँ से। उफ यार, इतनी जल्दी जल्दी मैं तैयार हुई ना, मैं मेरे को एकदम से रजत ने कहा कि रेडी हो जा अभी जाना है, और फटाफट से मैं तैयार हुई, जैकेट जुकेट पहन लिया और गर्मा गर्म पानी से नहाई हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि पसीने छूटे ही जा रहे छूटे ही जा रहे। उफ, और खुद अब रजत अब जा रहा है कि अच्छे शूज़ वगैरह पहन ले, तो मैं तो लिटरली शूज़ पहन गया, मतलब प्रॉपर रेडी हूँ कि मुझे निकलने को बोलोगे मैं अभी निकल सकती हूँ। फाइनली आज हमें मौका मिला है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने का, हम जा रहे हैं थोड़ा बहुत सामान लेने, और हमने सोचा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं, हम परफेक्ट टाइम पे आए हैं, पूरा पूछ के और सारी प्लानिंग से आया था कि आज। आज हम पक्का जाएंगे, आज इतनी देर से हम यहाँ पे बस का वेट कर रहे हैं, और रजत को वो दूर जाके बस दिख रही है ना, तो मैं कह रजत पक्का ही हमारी बस है। रजत कहता है मैं जूम लेंस से दिखाता हूँ तुमको ये हमारी है या नहीं, तो क्या दिखा रजत, है ये हमारी या नहीं? यस, बस आ गई नैना। यस थैंक यू। कैसी बर्फ जमी है ना, हाँ इसी में खड़े थे हम, बड़ी मुश्किल से तो मुहूर्त निकला था कि हम बस में जा रहे थे। अभी हमको पता चलता है कि बस वाले ने हमसे कहा है कि ब्रेक है, तो यहाँ सामने टिम हॉर्टन्स था, हमने सोचा तब तक कॉफी लेके आते हैं, बहुत ठंड है यहाँ पे। 4:48 तक हमारे को ब्रेक है, मतलब 20 मिनट्स, तो कुछ खा के ही जाते हैं अभी। हाँ, खाना लेके हम आ गए और बस अब चलने वाली है। बाहर बर्फ पड़ने लग गई है, वाह। हम 22 मिनट हमने वेट किया, पता है, बहुत बढ़िया है, गर्म है अंदर से। रजत इतनी देर से ये पकड़ के बैठे हो तुम, आ जाए, पुल करना है ना, क्या वो क्या होता है, अभी दिखाऊंगा तुझे। बस में ये लगा है, इसको पुल करना होता है जब आपको रुकना है, तो आपका स्टॉप जब आएगा तो ऐसे, अभी हमारा स्टॉप आ रहा है, तो सिटी सेंटर हमको यहाँ उतरना है, सिटी सेंटर ट्रांजिट।
तो हम पहुंच गए और ऐसे पहुंच गए और ठीक टाइम पे मेरी कॉफी भी खत्म हो गई। फटाफट से अंदर चलते, ज्यादा देर बाहर रहने का फायदा नहीं। देखो वैसे यहाँ का मौसम ना एकदम, अभी बर्फ पड़ रही थी, अभी बर्फ पड़ रही थी और यहाँ से लग रहा धूप आ रही है, यहाँ तो कभी बर्फ हो ही नहीं रही थी। कहाँ जाना है? गैस 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 देयर, जस्ट क्लिक दैट। कितना मजेदार है ना, इतनी बड़ी स्क्रीन और वो टच है, फटाफट छू उसको एंड आपको पता चल जाएगा कहाँ जाना है। सही जा रहे हैं, एक बार देख लिया है बस, मजा आ रहा है। चल और बताओ, नहीं जाना कहीं? नहीं कहीं नहीं जाना, चल अभी चल नैना। सो यहाँ पे केक की बहुत सारी वेराइटी है, समझ में नहीं आ रहा कौन सा केक ले जाए। केक लेने का रीजन ये है कि वेदा 1 मंथ की हो चुकी है और रोहिंदी ना चाह रहे थे कि जब वेदा 1 मंथ की होगी हम छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे। कह रही थी चाहे एक कप केक ही है बट सेलिब्रेट करेंगे थोड़ा सा। तो हमने सोचा यहाँ पे इतनी अच्छी बेकरी है, एक केक लेके घर चलते हैं, अच्छा सा माहौल हो जाएगा, सब इंजॉय भी करेंगे और वेदा का 1 मंथ सेलिब्रेट भी करेंगे। कोको कोको आ जा, कोको रोजी दी, कोको 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 मैं और रोजी दी आए हैं ग्रोसरी करने, क्योंकि रोजी को यह था कि मैं भी बाहर चलती हूँ, थोड़ा सा थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है तो, और मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं लगना था क्या क्या सामान लेना है, तो गृहिणी को साथ लाया हूँ मैं, तो ये सामान लेंगे अपने हिसाब से। बट हम लेट हो गए ग्रोसरी के लिए क्योंकि हम शॉपिंग से थोड़ा लेट आए, तो अब बस सामान खरीदते जल्दी से इससे पहले कि स्टोर बंद हो जाए और अनाउंसमेंट करे कि बाहर निकलो। चेक क्या कर रहे हो आप भी मेरी तरह करते हो? मुझे लगता है मैं ही करता हूँ सिर्फ। नहीं नहीं मैं पीछे हाँ, पीछे साले बड़े खराब होते, पीछे रखते हैं। नहीं नहीं ये स्टोर वाले बड़े चालू होते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, पहले पुराने वाला जाएगा फिर नया आएगा, तभी फीफो। हाँ जी आपको पता है फीफो मैंने कहाँ पढ़ा है? कंप्यूटर साइंस में या इंजीनियरिंग के टाइम। मुझे लगता था कि ये चालू गिरी करते हैं स्टोर वाले, बट इट्स अ रूल, आई डिडंट नो दैट, आई एम सॉरी। मैंने बहुत गालियां दी है सबको स्टोर वाले। क्या जल्दी भागो, गाड़ी आई, अरे भागो दीदी। अनाउंसमेंट तो हो गई है कि क्लोज हो गया स्टोर, बट हम आ गए, हम आई गेस चेकआउट तो ले लें ना अब। बट इसने बोला स्टोर है क्लोज, अच्छा फाइनली हमें मिल गया सामान। सब चले गए, सारे काउंटर खाली हो गए और ये आ रहे हमारे भाई साहब। मतलब हमें आदत हो गई है तेजी में शॉपिंग करने। सही बात है, वैसे आज हमने ज्यादा टाइम लगाया, हम 8:30 से बाद आए हैं और पिछली बार तो मैंने पता है 5 मिनट पहले आके लिया है। वी आर प्रो नाउ ब्रो, ये लगा अपनी किस्मत आजमाने आज नैन्सी की जगह आई है, नैना के नाम पे, नैना के नाम पे, देखो क्या जीतता है। चल पीछे चल, स्कैन करके आते हैं, जीत गया था तो राशन हमने देखना भी नहीं पड़ा। चल कर स्कैन, नॉट अ विनर, $5 वेस्ट करे, मेरे क्या कहा था तुझे, चल जिस मर्जी के नाम पे भी लियो, चले घर चले, लेट हो रहा है वो वेट कर रहे होगे सामान का, चल आ जा कोई होता होता होता, चल अपने दिल में रख ताकि दोबारा कभी खर्च ना करे। चल आज हमारी वेदा इतनी प्यारी लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है कि मैं शब्दों में बता ही नहीं सकती कितनी प्यारी लग रही है। और काफी लोग ये भी कह रहे थे कि फेस रिवील कर दो बच्चे का, देखो मेरा बच्चा तो है नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, रोहिंदी की जब इच्छा होगी तब करेंगे, रोहिंदी को कमेंट करो ये खुद करेंगे। आज तो इतनी प्यारी लग रही है ना कसम से, मैंने 100 बार नजर उतार दी है, तो अगर रोहिंदी मुझे वो फोटो भेजेगा ना तो मैं आपको इसकी ड्रेस दिखाऊंगी, बहुत प्यारी लग रही है इस पे। आज ना हम बाजार इसलिए गए थे, छोटे मोटे अपने काम भी थे और ये था कि वेदा के लिए केक भी ले आएंगे। और एक जो चीज मैंने आज खरीदी है ना, आई एम श्योर ये कोई नहीं बता पाएगा कि ये क्या है। रोहिंदी लो आपकी बारी, अगर आपने बता दिया ये क्या चीज है तो आपको $1,000 अभी इनाम है, बताओ। इनको बता चुकी है ये ना, ये ना कोई चीज साफ करने के लिए करेगी, अब तो बारी गई, और ये ऐसे नहीं है, दो प्रेम कर रही हो, नहीं टाइम अप, टाइम लिपस्टिक लगाने हो गया, टाइम अप। सार्थक जीजू को भी सेम कहा था कि $1,000 की शर्त है, आप बताओ ये क्या चीज़ है। उन्होंने क्या बताया? इतना
मस्त है बोलते बोलते कि मुझे नहीं पता, हार मान ली। तो रोहिंदी को भी कम से कम कितना टाइम हो गया, 30 सेकंड, एक मिनट तो लगी गया। मेरे को ये उम्मीद थी कि लड़की को तो पता चली जाएगा क्या चीज है, फिर इसका ऐसा क्या लड़की को देखा भी है बगल में कैसी है, वो भी मैंने सोचा है तभी जाने दिया, तब इतने कॉन्फिडेंस है $1000 की, ₹1000 मुझे ये था ना, देखो अगर मैं हार गई तो ₹1000 दे दूंगी, जीत गई तो $1000 ले लूंगी। दो क्या दो, मुझे पता था। इधर देखो, तो इसको ऐसा कैप खोलने के बाद यहाँ फंसाना है, और ये है लिपस्टिक ब्रश, आप अपने पैलेट से कलर उठाइए। ओके बाय। कितना अच्छा है यार, बट दिस इज सो कूल, मुझे बहुत पसंद आया। कोको को हरा धनिया इतना पसंद है, पता नहीं क्या सोचती है, जब इसको हरा धनिया की डंडी मिल जाए ना उसको पकड़ के खेलने लग जाती है, अभी पकड़ रखी है। ये एक दिन क्या हुआ कि कोको वॉशरूम के अंदर चली गई, मेरे को वॉशरूम क्यों जा रही है, क्योंकि अपने धनिया की डंडी लेके वॉशरूम में चली गई थी, जो वॉशरूम नहीं डंडी ना जहाँ जहाँ जाती रहती है ना इससे गिरते हुए वहाँ पहुंचती है, जहाँ डंडी गिरेगी वहाँ वहाँ चली जाएगी, और एक दिन ये कबर्ड में बंद हुई थी, मेरे आज वॉशरूम में बंद हो जाती, आज दिन में कबर्ड में चली गई थी, इसका रोज का ही है। तो मैंने इसको बोला क्यों जा रही है, सुसाइड करना चाहती है, ये बहुत शैतान हो रही है दिन पे दिन, है ना। देख कोको खाइयो मत, फंस गया यार, कैसे उठाती नहीं है हाथ से। हाँ बड़ी स्मार्ट बिल्ली है, निकाल देती है। हाँ ये देख फंस गया फिर से। सार्थक भैया ने क्या बना कर दिया, ये क्या है, ये सार्थक भैया क्या है, ये चना चाट है, पर कुछ ज्यादा फैंसी है। आज इनकी बेटी का 1 month बर्थडे है ना, तो कुछ ज्यादा ही मूड पे शाही दावत हो रही है। अरे मैंने इनको सुबह से कल से बोल रखा है कि पनीर खाऊंगा मैं कल, तो आज इनकी बुकिंग है मेरे पास, तो मैं कह रही हूं क्या शाही दावत। ये सिर्फ स्टार्टर है हमारा, एपेटाइजर यू नो, और इसके बाद आएगा मेन कोर्स। मेन कोर्स में पनीर है, नॉन वेज वालों के लिए नॉन वेज है, और खिचड़ी वालों के लिए खिचड़ी है। क्या हुआ, इसको ना खाना है ना पीना है। इसको पता नहीं क्या कनाडा आके एक चीज सीखी है, हमने नहीं इसको सिखाया ऐसे, इतने साल हमने नहीं, मेरी है तेरी गलती है, मैंने तो इसको कभी देखा ही नहीं ऐसा। भाई ये पानी पानी पी रही है ना आजकल, तो पानी भी गले में फंस रहा है इसके, तुमने ना जब से नोटिस किया ना तब से मेरे साथ और ज्यादा हो रहा है, जान निकाल देती है इधर हमारी, मेरी नहीं निकलती तेरी निकलती। कैसे बना है, बहुत अच्छा बना है, फर्क नहीं पड़ा इससे कोई फर्क नहीं। अब क्या, अब कैसे गाना गा दिया था इसने, लता मंगेशकर बन गया था अभी थोड़ी देर पहले। आपने जो हमारे साथ किया है ना ये अच्छा बिल्कुल नहीं किया, इतना गर्म है ना ये, बेचारे के ऊपर से खीरे खाने पड़े सारे, टेस्टी तो बहुत है, अपना ही समझो। ए जला बहुत गर्म है। हाँ तो मेरे साथ भी यही हुआ था, जो मुझ पे लाल छल लगा रहे थे ना। ओहो यार आज फिर से यहाँ एक्सीडेंट हो गया, 3 गाड़ियों का। सो गाइज आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और उससे मुझे याद आया कि जो हमारा पिछला व्लॉग था उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, बहुत प्यारे प्यारे और इतने बड़े बड़े कमेंट्स आए थे जिसको देख के मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और वैसे भी मुझे सब यही कहते थे कि तेरे यहाँ पे आंसुओं की टंकी लगी है, बस थोड़ा सा कुछ होना चाहिए तुझे एकदम से आंसू आ जाते, बट वो सब देख के मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, थैंक यू हमें इतना प्यार करने के लिए। मुझे ये समझ नहीं आता है कि हमने ऐसा किया ही क्या होता है कि आप लोग इतना प्यार दिखाते हो माँ को, सो मैं भगवान फिर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि हमें आप लोग इतना प्यार करते हैं, थैंक यू सो मच। और यस आपके लिए आने वाले व्लॉग्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो यूं ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए और मुझे खूब सारा रुलाते रहिए, बट वो रोना खुशी के आंसू होते हैं, सो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। सो इसी नोट पे हम इस व्लॉग को भी एंड करते हैं, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारे कमेंट्स करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, सी यू सून।